आज हम बनाने वाले हैं पटचित्र पेंटिंग। पश्चिम बंगाल का बड़ा ही फेमस आर्ट फॉर्म है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र से ये आर्ट फॉर्म आता है। यहाँ पर हम एक चेहरा बना रहे। चेहरा बनाते समय ऊपर से बड़ा होते होते नीचे की साइड छोटा करना है। बीच में से मांग ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम उसकी भुए, जिसे आईब्रो कहा जाता है, वो ड्रॉ करते हैं। आग ड्रॉ करते हैं। रियलिस्टिक नहीं होता है, डेकोरेटिव फॉर्म है, इसलिए इस टाइप से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम छोटी सी सुंदर सी नाक ड्रॉ करेंगे, होंठ ड्रॉ करते हैं, हम उनके कान ड्रॉ, गले का पार्ट बनाते, दो लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम उसके हाथ ड्रॉ करते। एक महिला ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए इस टाइप से यहाँ पर हम उसका हाथ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस टाइप से ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पर हम उंगलियाँ ड्रॉ करते हैं। रियलिस्टिक नहीं होता है, इसलिए इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। और उसके हाथ में एक कमल का फूल है। हमारे मन से भी थोड़ा हम डिजाइन चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा फूल भी हम बना सकते हैं। ये ड्रॉ हो जाने के बाद हम यहाँ पर ब्लाउज का ये वाला पार्ट बनाते हैं, गले में माला बनाते हैं। डिज़ाइन हमारे मन से भी बना सकते हैं। ये वाला पार्ट कर्व करना है ब्लाउज का, ये भी इस टाइप से कर्व करना है, ये वाला पार्ट जॉइंट करना है और ये वाला। यहाँ से हम दूसरा हाथ बनाएंगे। पटचित्र एक कला है जिसमें कहानियों को स्क्रॉल पर चित्रित किया जाता है, कलाकार उन कहानियों को गाते हैं। ये हाथ की भी उंगलियां ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम उसके खुले बाल है, इस टाइप से हम कर्व करते हुए डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। पाटा शब्द संस्कृत शब्द पट्टा से आया है, जिसका अर्थ कपड़ा और चित्र का अर्थ होता है पेंटिंग। पटचित्र में कहानियों को लंबे स्क्रॉल पर फ्रेम के रूप में चित्रित किया जाता है। पटुआ जो पटुआ बनाते हैं वो धीरे धीरे उन्हें खोलते हैं और अपने गीतों के माध्यम से कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। इस टाइप से बैठी है, एक पैर बनाने के बाद दूसरा पैर भी बनाते हैं और ये वाला जो साड़ी का किनार है, पल्लू वाला पार्ट, उसके डिज़ाइन बनाते हैं। पैर को फोल्ड किया हुआ है, इस टाइप से बैठी है, तो यहाँ पर हम पैर भी ड्रॉ कर लेते हैं। पटुआ पौराणिक कथाओं, रामायण, महाभारत, मंगल काव्य, ऐतिहासिक और समकालीन विषयों जैसे महान व्यक्तियों की जीवनी, सामाजिक मुद्दों जैसे महिला शक्ति करण, बाल अधिकार, स्वस्थ साक्षरता जैसे विभिन्न विषयों पर पेंटिंग का गायन करते हैं। उसका जो पल्लू है वो हाथ के ऊपर से आया है, इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेंगे और ये वाला अंदर का पार्ट हम रब कर देते हैं। इस टाइप से करेक्ट ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न बनाएंगे। एकदम सादा सिंपल टाइप से डिजाइन बनाना है, बहुत रियलिस्टिक नहीं। ये वाला ड्रॉ हो गया है। अब हम वाटर कलर का यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ निकाल लिए है, पानी लगेगा, ब्रश पॉइंट वाले लगेंगे। इसके साथ हम पोस्टर कलर का यूज़ करने वाले हैं, वाइट कलर का जो सफ़ेद है। कपड़ा लगेगा ब्रश पोछने के लिए। सबसे पहले हम पूरे पेंटिंग को वॉश कर लेंगे। वाटर कलर यूज़ करते समय कलर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हमें वॉश करना है। ये हमारे ऊपर है, हमें वॉश करना है या नहीं करना है। यदि हम करते हैं तो बहुत अच्छे से कलर मिक्स होते हैं। यहाँ पे ब्रश को बहुत प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से वॉश करना है और उसे सूखने देना है एक 5 मिनट तक। सूख जाने के बाद अब हम चेहरे से स्टार्ट करेंगे कलरिंग। कलरिंग करते समय बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, तो सबसे पहले हम लाइट लाइट शेड फिल करेंगे। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो हम दोबारा उस पर कलरिंग कर सकते हैं, तो इसलिए पहले हम पूरे बॉडी में जो हमारे पास ऑरेंज कलर है उसका यूज़ करेंगे। ऑरेंज कलर जो चेहरे के कलर से रिलेटेड होता है, इसलिए उसका यूज़ करना है। कलाकार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे जो खजिनों, पत्थरों और पौधों से प्राप्त होते थे। पेंटिंग में सूक्ष्म और जटिल पैटर्न होते हैं और यह चित्रकला एक ही रंग की विभिन्न छायाओं का उपयोग करके बनाई जाती है। पेंटिंग बनाते समय कपड़े को पहले गोंद और चाक के मिश्रण से तैयार किया जाता है, फिर इसे सूखने दिया जाता है, आउटलाइन बनाई जाती है, फिर प्राकृतिक रंगों का
उपयोग करके कलर्स भरे जाते हैं। पूरे बॉडी में कलर हो जाने के बाद हम नीचे का जो पैर है उसमें भी हम कलरिंग अच्छे से लाइट लाइट भर देते। यहाँ पर हम बालों के लिए काला रंग का उपयोग करते हैं। जो मेन मेन कलर होते वो पहले हमें भरना है, बाद में हम डिटेल्स करने वाले हैं। बड़ा काम बड़े ब्रश से करना है और छोटा काम छोटे ब्रश से करना है। पहले हम लाइट लाइट पूरा अच्छे से कलरिंग भर देंगे। ज़्यादा लाइट हो गया तो सूखने के बाद हम उसके ऊपर दोबारा कलरिंग भी कर सकते हैं। यह चित्रकला उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में उपयोग किया जाता है। कुछ पट्टचित्र कलाकार जिन्हें चित्रकार कहा जाता है और बारीकियों से काम करते हैं, डिटेलिंग करते हैं। इस टाइप से पूरा अच्छे से काला कलर भर लेने का है। और उस समय जो ब्रश यूज़ किया करते थे वो जो जानवर है उनके जो बाल होते हैं उन बालों को ब्रश के रूप में यूज़ किया करते थे। यहाँ पर जो साड़ी है उसकी बॉर्डर में हम जो रेड कलर है वो अच्छे से भर लेंगे। पूरी जितनी बॉर्डर है उसमें यही कलर करना है। छोटा काम छोटे ब्रश से, बड़ा काम बड़े ब्रश से। पूरे साड़ी के किनार में यह वाला ही कलर करना है, रेड वाला। हम ब्लाउज के लिए क्रिमजन कलर का उपयोग करेंगे। बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। क्रिमजन कलर है वो पिंक के शेड जैसा बन जाता है। हल्के हल्के हाथों से कलरिंग करना है, बहुत प्रेशर से नहीं। ज़्यादा लाइट हो गया तो हम दोबारा उसके ऊपर कलरिंग कर सकते हैं। इसलिए वाटर कलर करते समय पहले लाइट लाइट शेड करना है, फिर मिडल, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कलरिंग करना है। यहाँ पर जो कमल का फूल है उसमें भी कमल को कलर हो जाने के बाद अब हम साड़ी के ऊपर कलरिंग करेंगे। तो हमारे पास कोबाल्ट ब्लू कलर है, उससे हम कलरिंग करेंगे। इस टाइप से लगा लेना है, ब्रश हल्का सा पोंछना है और उसे मर्ज करना है। मिक्स हो जाना चाहिए कलर एक दूसरे में। इस टाइप से हम लगा लेते हैं। यहाँ पे उसी टाइप से रेड बॉर्डर, ब्रश को पोंछना है और अच्छे से कलरिंग करना है। इस टाइप से हल्के हल्के हाथ से मर्ज हो जाना चाहिए। ब्लाउज के इस पार्ट पे भी इस टाइप से कर्व करना है और ये वाला जो डिजाइन पैटर्न था उस पे लाइट लाइट शेड से हम ब्रश के स्ट्रोक से इस टाइप से हम डिजाइन बना लेंगे। रिंकल्स टाइप से ये फोल्ड है, साड़ी के जो फोल्ड होते वाला हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी इस टाइप से। ये सब लगाने के बाद यदि बहुत ज़्यादा लाइट शेड हो गया है तो हम दोबारा इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। हमें डार्क चाहिए या लाइट चाहिए ये हमें डिसाइड करना है। जैसा ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो हम दोबारा इसके ऊपर कोबाल्ट ब्लू शेड कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हमें साड़ी का दूसरा कलर्स करना है तो भी हम कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद हम पूरे बॉडी पर दोबारा हल्के हाथ से ऑरेंज कलर्स करेंगे, थोड़ा सा डार्क शेड के लिए। इस पेंटिंग में कई क्षेत्रीय विविधताएं हैं। यद्यपि पटचित्र की मूल शैली एक समान रहती है फिर भी इसमें क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है। उदाहरण के लिए उड़ीसा की पटचित्र में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से संबंधित देवी देवताओं और किंवदंतियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल की पटचित्र में विभिन्न विषय हो सकते हैं और इनकी कलात्मक शैली में थोड़ा अंतर हो सकता है। अब हमारा ये सारा कलर हो जाने के बाद हम जो बैकग्राउंड है उसको फिल करते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर हम येलो ऑकर शेड का यूज़ करेंगे। कलर अच्छे से मिक्स कर लेने का है। बड़ा काम बड़े ब्रश से करना है, छोटा काम छोटे ब्रश से करना है। पूरा बैकग्राउंड हम येलो ऑकर शेड से भर लेंगे। आज इस कला को देश विदेश में बड़ी मांग है और ये बड़ा ही फेमस आर्ट फॉर्म बन गया है। पट्टचित्र कलाकारों ने 2011 में चित्र तुरु नाम से अपना एक समूह बनाया। यह समूह न केवल कला के विकास के लिए बल्कि अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए भी काम करता है।
अब हमें पोस्टर कलर इस टाइप से निकालना है और पॉइंट के ब्रश का यूज करना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। कान की बाली, गले की माला, गले में हार, सभी हम इस वाइट कलर से करने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा सा बोल्ड, बहुत बारीक बारीक नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। हाथ में भी जो डिजाइन बनाना है, गले का, हाथ का, पैर का, सभी जगह हम इसी वाइट कलर से डिजाइन कर लेंगे। पट्टचित्र पेंटिंग को ट्रेडिशनल आर्ट, इंडियन आर्ट, उड़ीसा आर्ट, बंगाल आर्ट, फोक आर्ट, हेरिटेज आर्ट, एशियंट आर्ट, स्टोरी टेलिंग आर्ट, ऐसे कई नामों से हम इस आर्ट फॉर्म को जान सकते हैं। हमारे इस चैनल में जितने वीडियो है, ये सारे के सारे ऑनलाइन आर्ट क्लास के, बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत इजी भी नहीं, सरल टेक्निक से सिखाए गए हैं। आपको और भी इस टाइप के आर्ट फॉर्म देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सब इस टाइप से डिजाइन हो जाने के बाद अब हम ब्लैक पेन का यूज करने वाले हैं। हमारे पास ये ब्लैक पेन है तो यहाँ पे हम ब्लैक पेन, मार्कर पेन या पॉइंट वाले ब्रश का यूज करते हुए पूरे पेंटिंग को बॉर्डर अच्छे से बना लेते, आउटलाइन कर लेंगे इस टाइप से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसा करते करते पूरे ड्राइंग को हम फिनिश करते हैं। आपको ये आर्ट फॉर्म कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, जहां पर आपको इस टाइप के न्यू न्यू ड्राइंग फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से करना है आउटलाइन, इस टाइप से हम एक सुंदर सा पट्टचित्र पेंटिंग, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है, बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आपको ये पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।